हमने सोचा कि आ तो अकेली रही हैं, जब जाएंगी चलो हम लेके चलेंगे, साथ चलेंगे। ऐसी बात है कि नहीं? हाँ, आपको गेट से बाहर छोड़ के आऊँ? दोबारा आ जाऊँगा, कोई पता चलता है क्या? निकाल के गेट बंद कर, गेट बंद कर दूंगा फिर। आप नहीं आएंगे? अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, और क्या हाल है, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे, फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मेरे घर में छोटे बड़े सब ठीक हैं, और जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और जो बेरोजगार है अल्लाह पाक उनको रोजी की तंगी में है अल्लाह पाक उन्हें बहुत अच्छी रोजी अता फरमाए, और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उन्हें बहुत नेक औलाद अता फरमाए, आमीन। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। आज का व्लॉग जो हमारा स्टार्ट हो चुका है, रहना है हमारे साथ, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहें, बाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह। हमारी दुआएं हमेशा आप सबके साथ है, जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक शिफा दे, जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर फरमाए, जो लोग रिज्क रोजी की तंगी में है अल्लाह पाक उन्हें वसी रिज्क अता फरमाए, और जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए अल्लाह पाक सबकी मगफिरत फरमाए। इस वक्त आज का व्लॉग करते स्टार्ट, रहना है हमारे साथ, वीडियो होने वाली है बहुत मज़ेदार। और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी जो है पब्लिक वाक भी हमारा माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका है, और थोड़े से सब्सक्राइबर रहते हैं वो आपकी प्यार मोहब्बत से ही बढ़ेंगे, तो जो जो हमारे चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो है व्लॉग और वीडियो बनाने का कुछ जो मकसद है वो भी पूरा हो, और हमारी जो है रिस्क रोज़ी का और आमदनी का ज़रिया जो है वो चल सके। ये आप सबकी मोहब्बत है जो यहाँ तक हम कामयाब हुए, आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ऐसे ही हमें प्यार और मोहब्बत देते रहेंगे, जिससे हमें आगे कामयाबी मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर हमारा साथ देंगे, तो इसी तरह ही बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो करते हैं कंटिन्यू। कैसे तबीयत? ठीक है शाहज़ेब, बाय बाय करो बेटा, बाय बाय बोलो, भी सही बाय बाय बोलो, बाय बाय अब सॉरी करो, अब आमीन करो, आमीन करो, अब नात सुनाओ नात। अच्छा पार्टी वाला किधर है? पार्टी वाला वो उधर है, चलो चीड़ी उड़ी, चीड़ी उड़ी खेलो, चीड़ी उड़ी, तोता उड़ा, अब सुपंजू खेलो, सुपंजू। डोली कितना है? डोली, डोली ये ऐसे करो, ऐसे 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 करो, ऐसे ए ऐसे। डोली किधर है अब? ये वाली डोली है, अच्छा ऐसे देखो, ए ऐसे देखो, ए असु पंजू हार कबूतर डोली, हा 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 हा, डोली डोली तू कर, पंजू हार कबूतर डोली। पप्पा खाया था क्या? अब डोली करोगे? वाह, और तबीयत से ठीक है? कब जाने का प्रोग्राम है घर? पता नहीं, आपको पता जाना भी है कि यहीं पर धरना दे दिया है? नहीं जाना तो है। अच्छा चलो, कल परसों तक। हाँ चलो खैर, तैयारी बना लेते हैं, अभी काफ़ी दिन हो गए हैं, घर भी जाना ज़रूरी है। आज का थोड़ा सा काम है इधर बहावलपुर, तो इंशाल्लाह कल चलेंगे, तैयारी बनाएंगे कल, फिर देखेंगे। ओके हो गया, नाश्ता कर लिया? नहीं अभी बनाई नहीं। कमाल है आपका, नाश्ता नहीं किया, मौसम का विज़िट कराते हैं। ये देखे कुछ इस तरह का है, सूरज भी ये रहा, और हल्की हल्की सी हवा चल रही है आज, ठंडी 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 हवा है। हाँ ये तो है, खांसी लगी हुई है, चावल खाए हैं इसीलिए। हाँ जी चावल खाते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर इसलिए। चलो इनकी भी दवाई लेते हैं, अवेश की भी। ओके हो गया, क्या कर रही हो? वो बाइक चलाओगी? बाइक चला लेती हो?
बाइक चला लेती हो जी? क्या ये क्या है बीबी? ये देखो ये क्या है, ये क्या है? ओ ये भालू है, भालू। टीट टीट करो, टीट करो बीबी, बीबी इधर देखो, टीट करो टीट। चलो अब बाय बाय करो, बाय बाय करो। माशाल्लाह भाभी जी बना रही हैं रोटी। आपने बनाई नहीं रोटी? हाँ जी मैं बना रही हूँ। आज आप रेस्ट कर रही हैं क्या? नहीं रेस्ट वाली कोई बात नहीं। एक रोटी बनाई? हाँ जी एक रोटी बनाई। थक गई हैं? चेक कर रही थी कि मुझे भी बनानी आती है कि नहीं। आती है? भाभी से पूछते हैं, भाभी रोटी बनानी आती है सिद्रा को? हाँ जी माशाल्लाह ये रोटी भाभी ने तो बनाई है। क्या बात है। और इश्तियाना पुत्र ख्याल से बैठ गई है, जल्दी जल्दी बनाओ रोटी, भूख लग रही है। बस बांध रही है वो, देखे सालन भी बांध रहा है और रोटी भी मैं बना रही हूँ। सालन कौन बना रहा है? भाभी बना रही है। भाभी बना रही है। भाभी हंसने लग जाती है जब भी कैमरा भाभी की तरफ करो। नहीं मैं अपने ख्याल में। ये क्या बन रहे हैं? टींडे। टींडे टींडे तो दो तरह के होते हैं, एक बड़े होते हैं उनको माड़ू बोलते हैं, एक छोटे एक वो टींडे होते हैं। क्या माड़ू बन रहे हैं? हाँ जी। हाँ इतना से होते हैं वो, उसको माड़ू बोलते हैं। हम तो वैसे सुना भी ऐसे है कि माड़ू बोलते हैं, हम तो टींडे उसे बोलते हैं जिसे के सराइकी में मीहल कहते हैं। मीहल आपने देखे है? मीहल वो घूम रहा था। वो टींडे से छोटे होते हैं इसीलिए तो घूमते रहते हैं। लगता है वो घूम रहा था, आपसे पकड़ा भी गया जी। वो छत से बिस्तर सारे उठा लिए? मैं छत पे कब गया हूँ? नहीं छत पे उठा लाए क्योंकि वो हमसायों के हैं ना, तो आज देने होंगे, सब मेहमान जा रहे हैं ना टाइम से। सिद्रा अकेली उठा ले आएगी? नहीं हाँ कोशिश करूंगी, वैसे तो डर लगता है सीढ़ी से। अच्छा ये नाजुक है, ऊपर चढ़ेंगे तो फिर नीचे उतरने के लिए हमारी टांगे कांपेंगी। वैसे भी आपकी टांगे कांप रही होती हैं। ज़किया सिस्टर आप क्यों चुप करके बैठी हैं? गुस्सा में लग रही हैं? नहीं है गुस्सा, फिर हंस रही हैं। तबीयत कैसी है? सलाम दुआ करनी आती है? नहीं आती। आज कर लो। क्या नहीं हिंदी? चलो ऐसे बोलो अस्सलाम वालेकुम। चलो ऐसे बोल दो ना अस्सलाम वालेकुम। क्या नहीं हिंदा? अभी तो आप बोल रही हो कि मुझे सलाम दिया था। कितनी देर है सालन बनने में? बस अभी अभी डाला है। मुझे भूख लगी है, मैंने सोचा जल्दी जल्दी बन जाए फिर खाए। हाँ सबको सुबह सुबह दो टाइम चाय बनाई है, फिर सबको दी है, वो खत्म हो चुकी है, तो फिर अभी सालन बना के ये सालन बना के फिर चाय बनेगी। हाँ, चलो दिन चाय ही बनती है। कौशल भाभी ना चाय बना बना के नहीं थक जाती है, पीने वाले नहीं सकते। सही है। हमने पता ही क्या सोचा था, हमने सोचा फरमान की फुफो आ रही है, वो अकेली आ रही है, वो भी बस पे, तो हमने सोचा हम जाएंगे तो हम उसे साथ लेके जाएंगे। आप पहले ही जा रही हैं। अभी तुम इनको भेज दो ना, हम साथ चलेंगे कल। कब चलना है आपने? कल। कल चलना है, ठीक है कल आपके साथ जाएं। उम्र चले हम। किराया दे दो ना। किराया आओ उम्र। पक्की बात है? उनसे तो पूछो। ये क्या बात हुई सिद्रा, क्या बात है?
वैसे ना अच्छा चलो कोई बात नहीं। हम वैसे कोई बात नहीं, वैसे हम मजाक कर रहे थे और ये बात हकीकत है। सिद्रा से पूछ लो, जब हमें पता चला कि फरमान की फूफो मतलब आप आ रही हैं तो हमने पता क्या सोचा, हमने सोचा कि आ तो अकेली रही हैं, जब जाएंगी चलो हम लेके चलेंगे, साथ चलेंगे। ऐसी बात है कि नहीं? हाँ चलो ठीक है, बाय 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 बाय, आ जाए। आपको गेट से बाहर छोड़ के आऊं? दोबारा आ जाऊंगा। कोई पता चलता है क्या? निकाल के गेट बंद कर, गेट बंद कर दूंगा फिर। अब नहीं आएंगे, नहीं आने वाले तो गेट खड़का के भी आएगा। ये हॉर्न बजाएंगे ना, गेट नहीं खड़काएंगे, फिर मैं खोलूंगा ही नहीं। बस बस मेहमान जा रहे हैं अभी, रौन के ख़त्म हुई। मुर्शिद जा रहे हैं एक साथ ही, हम इधर हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? आप तो माशाल्लाह इधर हैं, आपको जाने ही नहीं दे रहे हो। चलो ले जाओ ले जाओ, आप फिर उसको मुकाबला कैसे करेंगे? वो बड़ा मोटरसाइकिल है। बैठ जाओ बैठ जाओ, बाय बाय। माशाल्लाह नाश्ता आ गया है। ये क्या टींडे? हाँ जी। नहीं टींडे नहीं होते, वो माड़ू होते हैं। माड़ू होते हैं। जिसने नाश्ता करना है आ जाए। हाँ, हाँ जी, जिस बहन भाई ने करना है क्या? जिस जिसने भी करना है आ जाए हमारे साथ। कहाँ भी बैठे हुए हैं, चलो नाश्ता करो जल्दी जल्दी से। हाँ जी, मुझे तो भूख लगी है। 10 बजे नाश्ता हो रहा है आपका? हाँ जी बना अभी है इसलिए। पीपी क्या खा रही हो? क्या क्या खा रहे हो? ये क्या है? पापड़ खा रहे हो? बेबू क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? पापड़। वाह जी वाह, पापा खादा था पापा। वाह जी वाह, क्या कर रही हैं आप? मैंने वो अंडे बनाए थे। अंडे तो है नहीं, वो तो खाली है सिलेंडर। नहीं वो वहाँ पर रख दिए, गरम है गरम। अंडे बन गए हैं? अंडे बना के क्या रोटी खानी है? नहीं मैंने नहीं खानी, वो इरफान भाई और फरमान भाई ने खानी। अच्छा, मैंने कहा आपको भूखियाँ लगी हैं। सुबह उन्होंने नाश्ता नहीं किया था ना। अच्छा हाँ जी, ठीक ठीक, चलो गुड हो गया। और तबीयत ठीक है? हाँ जी, मजे हैं। माशाल्लाह फरमान भाई। हाँ जी, अभी नाश्ता हो रहा है, खैर है आज? हाँ यार, वो सुबह सारा खत्म हो गया था, इरफान भाई को भेजा था सुबह 8 बजे से, अभी 12 बजे आए हैं वापस। 8 बजे से 12 बजे? हाँ, तो लेकर आया है तो अभी अभी आटे बनाया है। ओ, उससे पूछना था ना कि मुर्गी ने अंडे नहीं देने से इनकार कर दिया था क्या? इंतजार कर रहा होगा वहाँ जाकर, नाश्ता कर रहे हैं, आ जाओ आप भी। अंडे तो सबके फेवरेट होते हैं, है ना? हम तो सबको कह रहे हैं। आप भी खाती हैं अंडे? हाँ मैं तो शौक से खाती हूँ। वाह जी वाह, ऐसे नहीं खाती, शौक से खाती है। हाँ जी ऐसे नहीं खाती, शौक से खाती है। अच्छा, कभी कभी शौक से भी खाने चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल जबरदस्त। और इश्तिहाना पुत्र क्या खा रही हो? बोल दो, अंडे। अंडे, वाह जी वाह, अंडे मजे के हैं। बहन भाई को सुला मारो, बोलो जिसने खाने आ जाए। इशारे कर रही है। हाँ। बाबा इशारे कर दिए हैं। जिस बहन भाई ने खाने हैं आ जाए। हाँ जी, आपने खाने हैं तो रल जाए। हाँ, आप कहाँ चले गए थे? आप कहाँ चले गए थे? गायब हो गए थे, इरफान भी गायब हो गया, आप भी। इरफान भाई तो गए थे अंडे लेने। अच्छा, तो मैं गया था उधर, आपकी अम्मी काट रही थी ना राया। अच्छा अच्छा, फिर मैंने सोचा मैं थोड़ी हेल्प कराऊं, मैं उधर गया था। फिर
सही बात है यार, गर्मी हो रही थी, फिर वो बोल रहे थे कि ये कियारा काट के जाना है, मैं फिर बोला कटाऊं जल्दी जल्दी, जो बात मम्मिया ठान लेती है उससे पीछे तो नहीं हटती, हेल्प करानी पड़ेगी। तो इसीलिए जो है ना मैं हेल्प कराने गया। बैठ जाए खानी है, मैं ऊपर से खा लूंगा। नहीं आप इधर शिफ्ट हो जाएं, मैं इधर शिफ्ट हो जाता हूँ। हंस क्यों रही है, हंसने वाली बात ही नहीं है। बैठ जाएं, अंडे खत्म हो जाएंगे। पता नहीं आपको कौन सी बात याद आ गई है। अल्लाह बेहतर जाने जी, बोला तो है, दुआ ही कर रहे हैं, अल्लाह पाक करम करे, आज हुआ या ना हुआ तो फिर बस कल चले जाना। हाँ यार टाइम बहुत हो रहा है, उधर अब्बू की तबीयत भी थोड़ी डाउन है। हाँ उसकी तबीयत सही नहीं रहती, कमजोरी बहुत हो गई है, तो फिर इस वजह से टेंशन की वजह से सोच सोच के। चलो अल्लाह रहमत करेगा, तो वो तुमने तो कहा होगा कि इतने दिन जाकर बैठ गए हो। हाँ कहा तो है, फिर मैंने कहा बस जरूरी काम था, आज अगर हो गया ठीक, नहीं तो फिर कल पक्की बात है, सुबह तैयारी है ऐसे ना। और इरफान भाई मुर्गी ने अंडे दे दिए। दो चार बंदे और बुला लेने थे। तो और नहीं, हमें कॉल कर लेते। क्यों और क्या, अच्छा सही। मैं जो चीजें बोली थी वो ले आए, हजम भी हो गई, कमाल है। और अमीना आप सुनाओ, अपने घर जाना है, अपने घर जाना है, तबीयत लेके जाऊंगी, मैं को लेके जाऊंगी, तबीयत ठीक है। हाँ जी। किराया मेरी भरोगी? हाँ जी। वाह तेरे पास कितने पैसे हैं? पैसे मुक गए? हाँ जी। फिर किराया किवें भरोगी? हाँ किराया किवें भरोगी? किराया किवें भरोगी? किराया बस वाले झंड की दा। और दादी आमीन आमीन। तू दुआ कर आमीन। आमीन। अमीना ने दुआ कर दी है आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपको छोटा सा क्यूट से बेबी देगा। हाँ इंशाल्लाह जरूर सुनेगा। अमीना की दुआ के साथ ना हमारी भी दुआएं साथ हैं, अगर उसकी नीचे आएगी तो हमारी दुआएं ऊपर उठाएंगी उसको। और दादी तबीयत कैसी है? तबीयत सी बिल्कुल ठीक है। आपने तो घर नहीं जाना, आप कल परसों जाना है? अच्छा हाँ, वो आज मैंने कॉल की थी उधर अपने ससुर जी को। हाँ दादे जी का बोला था, सुबह तबीयत थोड़ी ख़राब थी, रात बुखार था, तो अभी जो है ना ठीक है। हाँ दवाई वगैरह बोला ली है तो अभी ठीक है। हाँ बाकी सब ठीक ठाक थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ठीक रखे खुश रखे। हाँ वो अभी फ्री हुए थे तो कॉल की थी, तो उन्होंने कहा कि रात को बुखार हो गया था, अभी ठीक है। आपने परेशान नहीं हो ना, वो बोला है ससुर जी ने कि दादी जान को बोलना कि परेशान नहीं हो ना, तो आप टेंशन नहीं लेनी, वो ठीक है बेहतर है। हाँ ओके हो गया।
नहीं नहीं वो ही तो बोल रहा हूँ कि आपने परेशान नहीं हो ना, वो बोला है कि रात को बुखार था तो दवाई वगैरह ली है, आप ठीक हैं। हाँ अब माशाल्लाह ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। हाँ सिद्रा के दादा जान की तबीयत खराब थी, रात बुखार था, है ना? हाँ जी अभी वो ठीक है, सुबह अभी ठीक है, ओके हो गया। चलो हमारा व्लॉग भी मुकम्मल हो गया है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।